दोस्तों, जब एक टाइम हुआ करता था जब हम अधिक पैसे लेकर अकेले जाने में डरते थे, साथ में रखने से कैश डरते थे, क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैती का थोड़ा डर रहता था। लेकिन अब तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि हमारे पास कैशलेस सिस्टम्स आ चुके हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वॉलेट सर्विस हो गया, वो सब आ गया है। लेकिन अब इन टाइम में प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो साइबर क्राइम आपको लोग आजकल सुनते हैं, वो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब टाइमों में आपको अपने मोबाइल में जो भी पेमेंट सर्विसेज, जो भी ऐप्स रिलेटेड होता है, उसे आपको सिक्योर करना पड़ेगा। और वो सिक्योर करके अगर आप रखते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके जो ये चांसेस ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत हद तक इसे सेव कर सकते हैं। और एक और फीचर है जो MIUI 9 एबव और MIUI 10 में भी दिया हुआ है, जिसमें आप अपने ऐप को ही हाइड कर सकते हैं। इस ऐप को अगर हाइड कर देते हो तो वो ऐप ही आपके सिस्टम में कोई खोज नहीं सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो आपके अपने मोबाइल या ऐप्स को सिक्योर रखने का। तो इस ऐप को कैसे आप हाइड कर सकते हैं, ये भी हम आगे की वीडियो में ही देखेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात है कि मैं जो ये सेटिंग बता रहा हूँ POCO F1 के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये सेटिंग जो है आपके उन सब मोबाइल में काम करती है जिसमें MIUI 9 या उससे एबव ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो लोग उन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये सेटिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो सिस्टम है वो उनके मोबाइल में अवेलेबल है, बस उन्हें एक्टिवेट करना होता है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि इस स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मैं क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड कॉन्टेंट्स लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। आई होप आपको पता होगा कि सेटिंग कहाँ होती है। तो सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका ऐप लॉक आता है फीडबैक के जस्ट ऊपर। इसे ऐप लॉक ओपन करते हैं। अब ये आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको इसमें एक पैटर्न सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने मन चाहे अनुसार पैटर्न सेट करके इसे नेक्स्ट कर दें। ओके, आपको इसके बाद इसे MI अकाउंट में ऐड करने का ऑप्शन है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करते हैं तो अगर आप इनकेस अपना पासवर्ड या पैटर्न भूल जाते हैं तो आप इसे अपने टाइम के बाद रिकवर कर सकते हैं MI अकाउंट से। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। चलिए, मैं ऐड कर दिया। अब इसके बाद फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने का है, तो मैं इसे फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर लेता हूँ। अब आपके पास सारे ऐप्स हैं जो भी आप हिट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें रैंडमली कोई एक ऐप, चलिए वीम ऐप सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं चलिए ओलेक्स को करता हूँ। तो यहाँ पर OLX आती है, ये हो गई OLX। तो देखिए, आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं, पैटर्न का और ये फिंगरप्रिंट सेंसर वाला। तो कोई भी आप यूज़ करते हैं। चलो, इस पर मैं आपको फिंगरप्रिंट से करता हूँ अनलॉक। तो देखिए, ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो गया है। तो आप सेम इसी तरह आप अपने कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, इसे अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप इसकी ऊपर में एक आइकन है, सेटिंग आइकन, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक सेटिंग मिलता है। तो इसमें दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हेन डिवाइस इज लॉक, व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और इन 1 मिनट आफ्टर एग्जिटिंग ऐप। तो मैं जनरली सेकेंड वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, जब भी मैं ओपन करूँ तब भी ये लॉक रहे। इसमें आप पासवर्ड टाइप सेट कर सकते हैं, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, अनलॉक इन, फिंगरप्रिंट ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं, पैटर्न शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग, हाइड कंटेंट, अगर आप अपना जो ऐप है, जो आपका लॉक है, उसके नोटिफिकेशन को हाइड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छी सेटिंग दी हुई है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं अपने मनचाहे अनुसार। अब ये जो दूसरी सेटिंग है जिसमें आप अपने ऐप को ही हाइड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी सेटिंग है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने होम स्क्रीन में चले जाइए और कोई भी खाली स्पेस ढूंढिए, वहाँ पर आप प्रेस करें थोड़ी देर तक तो आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, विजेट का ऑप्शन आता है। तो यह सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे में दिख सकता है हाइड ऐप आइकन्स, तो इस ऐप आइकन्स को ऑन कर लेना है। ठीक है, आपने इसे हाइड ऐप आइकन्स को ओपन कर लिया है। अब नाउ अपने ऐप ड्रॉवर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से स्वाइप करना है। ठीक है, 3 या 4 या 5 बार, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये एक नया ऐप आइकन आ गया है। तो आपको फर्स्ट टाइम ये सेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिंगरप्रिंट से ही वेरीफाई होता है, तो इसे फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर लेते हैं।
अब आपके पास इसमें पैटर्न सेट करने का ऑप्शन आता है, तो अगेन आप पैटर्न सेट कर सकते हैं अपने मनचाहे अनुसार। ये गलत हो गया मेरा, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ओके कर लिए, अब आपका पैटर्न सेट हो गया। अब आपको इसमें वो ऐप्स रखना है जो भी आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक एडिट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो इसमें से कोई एक ऐप जैसे वी मैप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दो तीन ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। अब आपने देखा कि अमेजन शॉप ऐप्स और वी मैप्स इसमें आ गए हैं। अगर आप अगेन आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आपको अमेजन नहीं मिलेगा, ना ही भीम ऐप मिलेगा, जिससे देखिए कि कोई भी ऐप्स आपको नहीं मिल रहे जो भी हिड हो गए हैं। अब आपको फिर से वो एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसी तरह आपको दो तीन चार बार यहाँ पर से लेफ्ट साइड में स्वाइप करना पड़ेगा। देखिए अब इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर ले और उसके बाद आप अपने ऐप को ओपन कर सकते हैं अपने मनचाहे अनुसार, ठीक है। तो ये रहा मेरा वीडियो और कितनी आसानी से आपने ये सेट कर लिया, और मुझे कमेंट में बताइए कैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि यह जो हाइड ऐप आइकन्स में बहुत लोगों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड से स्वाइप करने का ऑप्शन आता है वो एक दो बार तीन बार में भी नहीं होता, बहुत बार तो पाँच छः बार लग जाते हैं। तो ये मुझे भी पता नहीं है कि कैसी सेटिंग है, ये MIUI वाले ने क्या सेटिंग रखी है, लेकिन जो भी सेटिंग है बहुत कमाल की है और आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज की बात होगी कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी ऐप रखते हो कौन सी ऐप नहीं रखते हो। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या थोड़ी बहुत इधर उधर से भी कोई प्रॉब्लम आती है MIUI 9, MIUI 12 या POCO F1 से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद। और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके बाय बाय।